सो मैं अभी अपना इंस्टाग्राम यूज कर रहा था तो मुझे एक रील दिखाई दी। ये मतलब लिटरली लिटरली ऐसे प्राणी एग्जिस्ट करते हैं इस पृथ्वी पर, इनको तो देखकर मेरा दिल यही कहता है चीख चीख कर। इसने है ना हर एक चीज यूज किया है आउटफिट के लिए। कभी टेप को पहन लेती है, कभी मोबाइल फोन को पहन लेती है, कभी म्यूजिक रिकॉर्डर रील्स को पहन लेती है, कभी ग्लास को क्लॉथ बना देती है, और तो और कभी एक साइड का ही पहन लेती है सिर्फ। बोलते हैं ना लड़की का दिमाग घुटनों में होता है, लेकिन इसका दिमाग घुटनों में भी नहीं है, वो तो कब का इसे छोड़ के जा चुका है। चलो चलते हैं मार्केट से आलू लाने। बहन तुम तो हमें यूज करते नहीं हो, हम जा रहे हैं। अरे मत जाओ दिमाग, अरे मत जाओ, अब मैं पक्का यूज करूंगी तुम्हें। अरे भागो। खुद के पास तो दिमाग है नहीं और दूसरों के दिमागों में गोबर भरे जा रही है लड़की। भाई मेरा इस प्लैनेट से तो मन उड़ गया है, मैं जा रहा हूँ इस प्लैनेट को छोड़कर। भाई जल्दी से रॉकेट निकाल। हाँ भाई हाँ, मैं निकालता हूँ, तू टेंशन मत ले। ये ले कॉस्मिक रॉकेट लाया हूँ मैं। अभी साले इस रॉकेट में तो मेरा कच्चा भी नहीं आएगा, तो मैं कैसे जाऊंगा इस प्लैनेट से दूर। वो बड़ा वाला रॉकेट लेके आ। अबे भोसड़ी के, तू पागल है क्या? तेरे घर में कैसे आएगा वो रॉकेट? अरे हाँ तू बोल तो सही रहा है, चल चल बाहर चलते हैं। हाँ भाई हम बाहर चलते हैं, बाहर मिलेगी रॉकेट। चल भाई हम मरकरी प्लैनेट चलते हैं। हाँ भाई हाँ चल चलते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, वो प्लैनेट तो बहुत छोटा है, उसमें नहीं जाएंगे। अब कौन से प्लैनेट पे जाएं? अरे भाई भाई चल सूरज प्लैनेट पे चलते हैं। अबे साले वो प्लैनेट नहीं है, वो स्टार है। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick. तो भाई किस पे जाए फिर? चल जुपिटर पे चलते हैं। हाँ भाई हाँ चल चलते हैं। चलो भाई अब तो आ गए हैं जुपिटर पे, अब तो कोई टेंशन नहीं हमें। हाँ भाई तू अब बोल सही रहा है। अरे कौशिक भाई वहाँ देख, वहाँ पर उर्फी का बैनर लगा हुआ है। अरे उर्फी यहाँ पर भी है। अरे इसका बोलबाला कहाँ तक चल रहा है? चल भाई वापस घर चलते हैं। हाँ भाई चल चलते हैं। भाई मेरा इस लड़की को देखकर दिमाग, दिल, फेफड़ा, इंटेस्टाइन। अरे कौशिक भाई और नीचे मत जा, लोग गलत समझेंगे। हाँ तू समझ गया ना, मेरा सब कुछ खराब हो जाता है इसको देखकर। पता नहीं इसका दिमाग कहाँ गटर में गिर गया है। अरे भाई चल छोड़ना, चल चलते हैं घर। हाँ चल चलते हैं। उर्फी 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 कौशिक भाई जल्दी चल। हाँ चल भाई। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, चलो छोड़ो। अभी अब ये क्या है? ये क्या हो गया? 12 साल की बच्ची वाइन पी रही है। भाई बताइयो हम 12 साल की उम्र में क्या क्या करते थे? कुछ नहीं भाई, हम लट्टू और फिल्म हीरो की फोटो और कंची सब खेलते थे। खेलते नहीं थे हम, उसके लिए लड़ाई करते थे, जान चली जाए लेकिन ये सब चीज ना जाए। लेकिन ये इसका तो अलग ही सीन है, है 12 साल की और जीती है 24 साल की उम्र। अरे लोलो तू इसके बारे में कुछ कहना चाहेगा? मैं कहना चाहता हूँ रीवा और को, हमारे बगल में लालू का एक बेटा हुआ है और उसका बाप बोल रहा है कि मैं उसको जल्दी से जल्दी इंजीनियर बनाऊंगा, जल्दी से बड़ा हो जा बेटा। तो आप बताइए रीवा अरोरा जी, आप कौन सा च्यवनप्राश खाते हो जिससे कि आप छोटी बच्ची से आंटी बन गई हो इतनी जल्दी? बताइए हमें रीवा अरोरा जी, बताइए। बता दीजिए रीवा अरोरा जी, बता दीजिए हमें। अरे लोलो भाई रो मत भाई रो मत। सो वीडियो खत्म। और हाँ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।